हेलो गाइस, तो अब हमारा नेक्स्ट सॉन्ग है मेरी माँ फ्रॉम फिल्म तारे ज़मीन पर। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम सी मेजर में जाएंगे स्केल से, तो सी मेजर मैंने आपको गाना भी फाइंड आउट करने बोला था कि फर्स्ट थर्ड या फिफ्थ की से ही गाना स्टार्ट होगा। तो हम ये गाना भी फाइंड आउट करने में अब देखेंगे हम कैसे प्ले होता है, थोड़े मिस्टेक्स भी होंगे या ठीक से भी, मतलब आपको मैं बताता हूँ। तो पहले हम ट्राई करेंगे। ये राइट की थे, मतलब बजते टाइम पे आपको समझ आएगा कि हाँ ये, मतलब आपको जैसे आप स्टार्टिंग में न्यू होंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये है कि नहीं, बट 80-90% तो आपको फिक्स हो जाएंगे हाँ ये की से गाना ठीक से बज रहा है। जैसे कि मैं ऐसा नहीं बजा पाऊंगा ना, इसको साउंड ही बराबर नहीं कर रहा है। यहाँ से कहाँ जाएंगे हम, यहाँ से ऊपर तो नहीं जा सकते, तो यहाँ से ही पहले ये ट्राई कर लीजिए। तो ये कन्फर्म होता है, जैसे कि पास पास में किए होते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ जी है तो यहाँ सी हो जाएंगे, आप कभी ऐसा सॉन्ग में हुआ नहीं। तो मोस्टली गाना ढूंढते वक्त आसपास की कीज देखिए आप, जैसे कि पर अंधेरे से डरता हूं मैं माँ, तो ये भी नहीं हो रहा है, ये तो ये करे अपने आप आता है होते। देखिए सिर्फ आप देखिए, मैं जो प्ले कर रहा हूँ 4-5 बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाने का टोन ही वैसा है, जैसे कि पर अंधेरे से डरता हूँ मैं, ऐसा जैसे कि ये करेक्ट, ठीक है। वैसा आपको मतलब आप धीरे धीरे गाना प्ले करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। अभी तुझे सब है पता है, देखिए बराबर ऐसा। तो अभी वन फिंगर में भी आपको समझा देता हूं, इसके लिए आपको धुन, अगर गाना पूरा लर्न नहीं हो तो धुन आपको 100% आनी चाहिए, मतलब धुन आपके दिमाग पे फिट होनी चाहिए, तभी आपके हैंड्स ऑटोमेटिक कीज पे जाएंगे जो परफेक्ट है, ठीक है। अब इसका अंतर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम इसका अंतरा फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अंतरा फाइंड आउट करने के लिए भी ये सेम तीन कीज रहती, बट ज़रूरी नहीं है तीन कीज आई, जैसे कि हम अभी देखते हैं जब भी कभी ढूंढना है हमको पापा मुझे, तो थोड़ा सा और टोन शार्प में जाता है, मतलब हमको यहाँ नहीं आता है वक्त, तो यहाँ थोड़ा सा जाना चाहिए, जैसे कि देखिए ये ज़रूरी नहीं अभी सी नहीं आया, अभी डी आया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, बट आपको कहा था मैंने कि मोस्टली सॉन्ग में अंतरा का टाइम पे भी वही तीन कीज यूज होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ से डी से चालू हो रहा है, जैसे कि जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला दूं माँ, ऐसा तो ऐसे फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो मेरी नज़र ढूंढे तुझे भी सेम आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं क्योंकि ट्यून ट्यून सेम है, आपको गाना आएगा तो आपको पता चल जाएगा ट्यून में कोई चेंजेस नहीं, जैसे कि सेम कीज यूज किए। अभी उनसे मैं ये कहता नहीं, ये सेम मैं कभी बतलाता नहीं, जैसे ट्यून है तो सेम वैसे आएगा,
ऐसा। अभी स्लोली मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये अंतर था और बाकी का तो सेम है। तो पहले मैं आपको ओपन, देखिए अभी ऐसा है कि अगर आप नेट पे सर्च करोगे मेरी माँ, तो हो सकते हैं ओरिजिनल स्केल्स की अलग हो। जैसे कि कोई बोलेगा कि डी शार्प पे ओरिजिनल स्केल, सिंगर जो गाता है वो ओरिजिनल स्केल होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम वहीं से भी, वहीं से तो प्ले होगा एक गाना, बट 12 के 12 स्केल से ही गाना कोई भी आप प्ले कर सकते हो। ये मतलब प्रूफ हुआ है, जैसे मैंने आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मैंने सारे स्केल से प्ले करके दिखाया, तो अगर वो गाना एक ही स्केल से होता तो सारे स्केल से प्ले होता ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जरूरी सिर्फ कीज अलग अलग होते हैं, कुछ की कुछ स्केल्स में आपको एक्स्ट्रा कीज यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ में और ज़्यादा एक्स्ट्रा। तो इस आपका जब नॉलेज आ जाएगा सॉन्ग का, तो आप कोई भी स्केल पर उसको परफेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो चेंजेस होते रहेंगे कीज़ में। तो अभी नेक्स्ट और गाने आएंगे तो आपको थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाएंगे। थैंक यू।